हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ चुकंदर की सब्ज़ी की रेसिपी। चुकंदर में मिनरल्स और विटामिन आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चुकंदर की सब्ज़ी बहुत ही पौष्टिक होती है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने चुकंदर को साफ़ करके धोकर ले लिया है, इनका छिलका भी निकाल लिया है और इन्हें साफ़ करके धोकर सुखा लिया है। तो अब हम इनसे कट कर लेते हैं। पहले हम इसे 2 से 3 पार्ट कर लेंगे चुकंदर के, और छोटे छोटे टुकड़ों में हमें इसे कट कर लेना है। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में हमें चुकंदर के छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। सारे चुकंदर हमने इस तरीके से काट लिए हैं। कढ़ाई गर्म होगी तो ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जीरा, हींग, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। गैस की आंच यहाँ पर धीमी रखिएगा। मसालों को मिक्स कर लेते हैं और इसमें ऐड कर लेंगे चुकंदर। सारे चुकंदरों को हमने कढ़ाई में ऐड कर लिया है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें ऐड करते हैं नमक। लाल मिर्च, अच्छे से मसालों को मिला लेंगे। मसालों की कोटिंग चुकंदर के टुकड़ों में अच्छे से आ जाए। मसालों के टुकड़ों में इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि ऑप्शनल है। आप खाते हैं तो ऐड कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। छोटे छोटे चुकंदर के टुकड़ों पर मसालों की कोटिंग आ चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अमचूर पाउडर। सब्जी में हमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि चुकंदर जूसी होते हैं तो इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे। खुद ही पानी इसे छोड़ने लगता है चुकंदर। तो अब हम इसे 4 से 5 मिनट बाद हमने इसे देख लिया है पलट कर। धीमी आंच में हमने सब्जी को बनाना है, तो अब हम इसमें पलट लिया है। तो अब हम इसे 2 मिनट के लिए और कुक होने देंगे। 2 मिनट बाद हम इसे फिर से चेक करते हैं। सब्जी हमारी पक चुकी है। अब ऐड करेंगे इसमें हरा धनिया और इसे भी हम मिला लेंगे, और गैस को कर लेंगे यहाँ पर बंद। और इसे आप पराठे, चपाती, चावल के साथ परोस सकते हैं। साइड डिश के रूप में आप परोसी जा सकती है चुकंदर की ये सब्जी की रेसिपी। तो आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने कमेंट करके बताइएगा कि आपको चुकंदर की रेसिपी कैसी लगी। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को।